आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम उदल था और वह वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही थे। जगनेर के राजा जगनेर ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा, उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आल्हा चंदेल राजा के महान सेनापति थे जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आल्हा खंडवाल में अमर हो गए। आल्हा और उदल चंदेल राजा परमाल के सेनापति दक्षराज के पुत्र थे। वे बनापर वंश के थे जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आल्हा उदल की गाथा राजपूत स्वर का प्रतीक दर्शाती है। कन्नौजी पाठ के अनुसार आल्हा का जन्म दशहर पूर्व महुआ की सीमा पर एक छोटा सा गांव में हुआ था। आल्हा की जन्म तिथि जेठी दशहरा बताई जाती है। आल्हा से उदल लगभग 12 वर्ष छोटे थे। पिता की हत्या के बाद उनका जन्म हुआ था। पंडित ललित प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आल्हा खंड की भूमिका में आल्हा को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्ष्य दफ्तर बताते हुए लिखा है। यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। यह प्रायः 12वीं विक्रम में शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वान अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसा प्रचलित है कि उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आल्हा ने संन्यास ले ली और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया। चौहान के परम मित्र संजम भी महोबा की इसी लड़ाई में आल्हा उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी जो कान्नभुज और कश्यप गोत्र के थे उनके द्वारा मारे गए थे। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीरगाथाओं को तब से गाते हम लोग चले आ रहे हैं। आज भी आल्हा सुनकर जोश में भरकर अनेकों साहसिक काम कर डालते हैं। यूरोपीय महायुद्ध में सैनिकों को रणमत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसी आल्हा खंड का सहारा लेना पड़ा था। कहीं कहीं इस वंश को अहिर जाति भी कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब राजा परमाल ने मलखा के राज पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मलखा की मर्जी के बिना उसकी बहन मलहाना से शादी कर ली और साथ ही अपने मुख्य सेनापति दक्षराज बक्षराज के साथ देवला और तिलका का विवाह कर दिया क्योंकि उसको लगता था कि दक्षराज और बक्षराज की बदौलत ही मेरे राज चला गया और मेरी तीनों बहनें भी। इससे कुपित होकर मलखा जहाँ भी जाता बनापर को अहिर अछूत बताता था और आगे जाकर गाए जाने वाले आल्हा खंडों में कुछ पंक्तियों को जोड़कर बनापर को बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि आल्हा मुख प्रतिलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो लोग बचपन से आल्हा को सुनते आ रहे हैं वह अहिर ही मानते हैं, जो कि गलत है। बनापर एक चंद्रवंश की शाखा इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बनापर क्षत्रिय जाति नहीं है। एक किंवदंती यह मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज की पत्नी ग्वालियर की दलपत अहिर की पुत्री थी, जो कि सरासर गलत है। आपने सुना होगा यह ग्वालियर की दलपत की पुत्री नहीं बल्कि मलका परियार की बहन देवला और तिलका थी जिनका विवाह राजा परमान ने करवाया था। ऐसे ही एक कथा मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज बांस से पैदा हुए, जो कि गलत है। दक्षराज और बक्षराज के पिता देवराज थे और उनके ताऊ मनिया देव थे, तो फिर इनका जन्म बांस से कैसे हो सकता है। यही इतिहास में छिड़ाकानी की गई है और बनापरों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मनी राम कृत वंशावली में बनापरों की 36 कुलों में प्रामाणिकता दी गई, जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। चंद्रवंश की 10 शाखाएं। चंद्रवंश की 10 शाखाओं में बनापर का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 जादौन, नंबर 2 भाटी, नंबर 3 तोमर, नंबर 4 चंदेल, नंबर 5 छोकर, नंबर 6 छाला, नंबर 7 सलार, नंबर 8 बनापर, नंबर 9 कटोच, नंबर 10 दहिया। श्री जॉर्ज ग्रेसन जैसी विदेशी विद्वान ने भी इस ग्रंथ की खूब प्रशंसा की थी। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व फरुखाबाद के कलेक्टर इलियट ने भिन्न भिन्न लोक गायकों को बुलाकर इसकी पांडुलिपि तैयार करवाई थी और इसे प्रकाशित करवाया था। इसकी एक प्रति आज भी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में सुरक्षित है। अब इस वंश के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, बांद, बनारस, गाजीपुर और बिहार के गया, रांची जिले में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के जिलों में भी इस वंश के क्षत्रिय निवास करते हैं। बनापर क्षत्रिय शाखा। खोरे या खेरा बनापर, गोगलिया या गोलिया बनापर, ट्यू दरिया टुगलिया बनापर, बजैया या फ्रेंजिया बनापर, फल बनापर, महोबिया महोबिया बनापर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।